हेलो गाइस आपका स्वागत है फिजिक्स पी वाई फॉर नीट जे एंड सीबीएसई में अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इस क्वेश्चन में कह रहा है टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस एम ए एंड एम बी आर ड्रॉप फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट ए एंड बी द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द टू टू कवर दीज डिस्टेंसेस आर तो टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है मान लेते हैं भाई एक बॉडी है ये ये बॉडी है इसका मास है एम ए एक दूसरी बॉडी है एम बी इसका मास है बेसिकली दूसरी बॉडी का मास एम बी है इस ग्राउंड से जो मास ए है उसकी हाइट है ए ये ए ले लेते हैं जो बॉडी बी है जिसका मास एम बी है इसकी हाइट है बी तो मास ए को यानी कि एम ए को यहां से ड्रॉप किया जाता है और एम बी को यहां से ड्रॉप किया जाता है क्लियर है तो ड्रॉप किया जाता है ड्रॉप ड्रॉप का का मतलब मतलब क्या है का मतलब है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है जीरो होगी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई जीरो हो गई इन दोनों केसेस में दोनों बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है या फिर ऐसा बोल दो कि भाई जहां से ड्रॉप किया वहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो यहां पर यू ए जीरो हो गया यहां पर यू बी जीरो हो गया मान लेते हैं इसको टाइम लगता है टी ए इसको टाइम लगता है टी बी इसकी हाइट ए दी हुई है इसकी हाइट है बी तो फॉर्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस फॉर्मूले में हम साइन कन्वेंशन का भी ध्यान देंगे साइन का भी ध्यान देखो भाई बुक्स में क्या होता है कभी साइन लगा देते हैं और कभी नहीं तो गड़बड़ हो जाता है तो ऊपर देखेंगे तो पॉजिटिव नीचे देखेंगे तो नेगेटिव और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा एम ए की बात करेंगे तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा होगा ये हमारा रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट पॉइंट से नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है रेफरेंस पॉइंट से नीचे हो रहा है क्लियर है इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है यानी कि यू ए ये यू ए जो है इस केस में जीरो हो गया है ठीक है भाई प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये माइनस जी हो जाएगा और टी टाइम लगता है टी ए यानी कि टी ए का ये स्क्वायर क्लियर है तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस हाफ जी इंटू टी ए का स्क्वायर जी हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करता है जी हमेशा जो होगा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा इसलिए नेगेटिव आएगा तो यहां से आप देख सकते हो ये माइनस से माइनस उड़ा दो ये हो जाएगा टू ए अपॉन में जी डेट इज इक्वल टू टी ए का स्क्वायर क्लियर है ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ बॉडी वन यानी कि वन यानी कि ए बॉडी जो है जो तो बॉडी जिसका मास M A है ये उसका टाइम पीरियड आ गया सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं टाइम पीरियड निकालूंगा बी का तो टी बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा टू बी में जी यही तो होगा ये नंबर टू हो जाएगी हमें क्या निकालना है रेशो निकालना है टाइम पीरियड का तो इक्वेशन वन ये हमारी इक्वेशन वन है और वन डिवाइडेड बाई टू कर दो तो टी ए का स्क्वायर अपॉन में टी बी का स्क्वायर क्लियर है मेरे भाई तो यहां से हो गया टू ए अपॉन में जी ये हो जाएगा टू बी अपॉन में जी क्लियर है टू से टू कैंसिल होता है जी से जी कैंसिल होता है इसका मतलब ये आ गया ए बाई बी टी एपॉन में टी बी डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पे अपॉन में रूट ऑफ़ क्लियर है मेरे भाई यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है थर्ड ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है